बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम इवनिंग आर और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज 25 जनवरी जुमेरात की शाम है। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे और पाकिस्तान में जो अपडेट्स हैं खबरों की उस पर बात करेंगे। लाकानूनियत जो है उस हवाले से ही खबरें हैं, कहीं पर कानून के महाफिज जो हैं वो कानून की धज्जियाँ बखेर कर वो सुर्खियों का या हमारी हेडलाइंस का ये जीनत बने हुए हैं और कहीं इमरान अली जैसे दरिंदे जो हैं वो बहुत ही आज़ादी के साथ एक नहीं कई वारदातों में मुलव्वस पाए जाते हैं और उन्होंने हमारे माशरे में जीना दोभर किया हुआ है। तो इन्हीं किस्म के जो किरदार हैं इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ ऐसे सियासी किरदार हैं कि जिनके हाथों में खजाने की चाबियां हमारी आवाम ने सौंपी लेकिन एक अदालत आलिया ने उनको ना सादक कहा ना अमीन कहा, लेकिन अब भी वो कहते हैं कि अगले बार भी हमें ही वो मौका दिया जाए ताकि हम उसी अंदाज से मुल्क की खिदमत करें जैसे गुज़श्ता 30-40 साल से उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। खिदमत जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में है, आप देख सकते हैं इर्द-गिर्द कि ये खिदमत किस किस्म की खिदमत थी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ देने के लिए बहुत ही बेहतरीन पैनल तशरीफ फरमा है। हमारे साथ सीनियर तजियाकार जनाब वसीम अल्ताफ ख्वाजा साहब हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया सर, इनके साथ हैं। सीनियर तजियाकार तो हैं ही, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, दानश्वर हैं जनाब इनाम सैरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और इनके साथ है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट B&B लॉ फ्रॉम UK, माहिर कानून और एक्स डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनाब राना बख्तियार साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन जब राना साहब हों कानून से मुतालिक भी बातें होंगी और कुछ आगे की बातें होंगी, हमारा मुल्क किस अंदाज से बेहतर हो सकता है इस किस्म के वाकियात के बाद जो ज़ैनब की शहादत हुई, कौम के अंदर बेदारी गम गुस्सा ये इस बात का इंडिया ज़रूर देता है कि अब जितना अंधेरा या जितना हम समझते थे कि मुल्क के अंदर कोई भी जी शऊर या कोई बेदारी नहीं है, तो मैं उन दोनों शोधा का दोबारा नाम लूंगा इमरान और शोएब का जिन्होंने उसी कसूर वाके में सीने पे गोलियां खा के हक के लिए उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए वो आए और उन्होंने जानों का नजराना पेश किया। उस मीडिया को सलाम कि जिसने किसी भी दबाव के बालातर होके उसने इस इशू को जगाए रखा। हम भी इसी किस्म के प्रोग्राम्स तब से कर रहे हैं। आज भी हमारा जो मौजू है वो है इंसाफ कब मिलेगा। बहुत सी नई चुका देने वाली अपडेट्स आपने सुनी होंगी। मशहूर सहाफ़ी और एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कल अपने प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात किए हैं कि जिसमें जो इमरान अली नामी जो शख्स पकड़ा गया है वो कोई एक बंदा नहीं है, वो एक माफिया का नाम है, उसके बहुत से अकाउंट्स की बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जस्टिस साकिब निसार साहब से उनकी मुलाकात भी हुई बल्कि उनकी पेशी हुई और उसमें उन्होंने कुछ खुफिया नाम या जिन लोगों के खिलाफ तफ्तीश का कहा गया उसके नाम भी दिए डॉक्टर साहब ने। अब मंडे को दोबारा पेशी हो रही है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पे इस केस की हियरिंग होगी। तो वो जो मामला शायद शहबाज शरीफ साहब माइक बंद करके उसको वहीं लपेटना चाह रहे थे वो अब माइक और ज्यादा गूंज रहे हैं, उनके वालिद साहब भी बात कर रहे हैं, वो मौजू ज़ैनब का ख़त्म नहीं हुआ, दबा नहीं है। तो शायद ये भी कोई ब्लेसिंग है हमारी कौम पे कि कोई ना कोई बड़ा माफिया जो चाहे दीन का लबादा ओढ़ के हमारी सफ़ों में घुसा है, सफ़ों में क्या घरों में घुस गया है और बर्बाद कर दिया है, और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने हमारे माशरे को इस हद तक पहुँचा दिया है, शायद अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैबी मदद है, कोई गैबी हमें पैगाम है कि अब हम इन तमाम नासूरों से छुटकारा हासिल करें, यही मौका है। 70 साल हो गए, अगर अब भी ना किया तो फिर कब करेंगे। मैं चाहूंगा हम कुछ ही देर में बल्कि अब मैं डॉक्टर साहब का वो सुनवा लूं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो आज सुप्रीम कोर्ट से बाहर गुफ्तगू की है और ये सिलसिला वो कह रहे हैं कि अब मंडे को भी होगा, क्या कहा उन्होंने और वो सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। मरीज है ना, ये कोई पागल है और ये एक बहुत बड़े एक माफिया या एक रैकेट का हिस्सा है, वो सबूत मेरे पास है। कम से कम 37 से 40 अकाउंट्स हैं जिसमें अक्सर अकाउंट्स गैर मुल्की अकाउंट्स हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, दैट वुड बी बेटर टर्म, और उनमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हुई हैं, खास तौर पे यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, रशियन कंट्रीज, बाकी जगहों से, और एक अरसे से हो रही हैं। और एक ऐसा आदमी जिसको बताया जा रहा है कि वो मिस्त्री है, वो जेनी मरीज है,
वो बात सही नहीं कर सकता, वो ये वो आदमी 37-40 अकाउंट्स जिसमें रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तक के अकाउंट्स हैं, वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं और कैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और उसमें ये जो रैकेट है ये है वॉयलेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी वॉयलेंट जी ब्लैक वेब, यानी ये वो चीज है जो एक तो अल्लाह ताला अपना रहम करे, एक तो पोर्नोग्राफी है ना, एक है वॉयलेंट, यानी वॉयलेंस में, यानी ये वो लोग हैं, वो मखबूतुल हवास या पागल लोग जो दुनिया में बैठे हैं, वो उसमें जब वॉयलेंस हो रहा होता है बच्चों पे, और कई बच्चे ऐसे हैं उसमें जी। बहुत तफसीलन बात की, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात थी कि जिसको हम समझ रहे थे कि पागल है, मिस्त्री है, और एक बहुत ही छोटे से मकान में वो रहने वाला है, अब जीआईटी तश्कील दे दी गई है, मामला ऊपर तक पहुंचा है, तो अल्लाह करे कि कुछ ना कुछ मजीद जो इंकशाफात हो रहे हैं उसमें सच्चाई हो, और ऐसे नासूरों के जो बाप दादा ऊपर जो बैठे हैं उनके भी चेहरों से पर्दा हटे। जी ख्वाजा साहब, कैसा देखते हैं सर, पहले तो वो वाकया, फिर इसका एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ना, उसे निकल जाना, छूट जाना, दोबारा हत्थे चढ़ना, और फिर ये सारा खेल, कैसा देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें देखें सबसे बड़ी बात यह कि हम सबको मिलकर दाद देनी चाहिए, हमारी आईएसआई को और आर्मी को, अगर ये दो इदारे हमारे इस वक्त ना होते इस मामले में, तो ये शैतान जो है कब का जो है ये आराम कर रहा होता और ये केस दब दबा जाता, ठीक है, या यूं करते कि किसी की लाश उठा के, किसी की भी मुर्दे खाने से बड़ी लावारिस लाशें पड़ी होती हैं, उसको ये जला के कहते जी उसने खुदकुशी कर ली, ये हकीकत मैं आपको कह रहा हूँ, ये ज़हनियत है। सही, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि कोई मकबूतुल हवास शख्स होगा, देखें ये एक नोन फैक्ट है कि ये एक डिजीज है, जिस तरह आपने देखा होगा कि यूरोप में कैनिबल्स हैं, ठीक है, इसी तरह स्पेसिफिक खास तौर पे ईस्टर्न यूरोप में ये चीज बड़ी आम पाई जाती है, और अगर आप पुराना चले जाएं, आप हजारों साल पहले तारीख पे चल जाए, तातारियों की बर्बरियत की और सारी, तो वो एक बर्बरियत क्या होती थी, जहनी तस्कीन देने के लिए होती थी ना, तो ये भी एक घटिया किस्म के बर्बरियत का ये एक अंदाज है जिस अंदाज से ये लोग करते हैं। सही, बदकिस्मती से ये है, मैं पहले भी शायद अपने किसी कॉलम में जिक्र कर चुका हूं कि हमारी एजेंसियों को, हुकूमत को, तमाम को अब इस तरफ भी तवज्जो देनी है कि हमारे पड़ोस में कौन है, क्योंकि जहां ये वाकया हो रहा है एक ही शहर है कसूर, और ये मुसलसल आप देखिएगा, पहले 150 लड़कों का वाकया हुआ, फिर ये 11 बच्चियां हैं, और पता नहीं कितने दबे हुए भी हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी इज्जत की खातिर या मुआशरे से डर के या कुछ बात तो, ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, तो वो खामोश जो है ना, उन खामोश लोगों की भी हमें सोचना चाहिए, उनका भी, उनके साथ जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं इसमें, जहां तक तो हमारी सिविल हुकूमत है वो तो बिल्कुल फेल है, उसका कोई किरदार नहीं है। कल आपने देख लिया होगा परसों जो पंजाब के वजीर आला का जो किरदार था, हाँ जी, वो बिल्कुल एक घबराई शख्सियत थी, वो एक लफ्ज से ज्यादा उनके वालिद को उन्होंने बात करने नहीं दी, माइक्स फौरन बंद कर दिए, जो कि हालांकि प्रोटोकॉल में भी उनका काम नहीं था, सही है, यानी कि एक वजीर जो होते हैं, सिलसिला होता है वजीर अपना वजीर आला का, उसमें भी वो नहीं बनता था कि वो ये हरकत करें, तो यूं लगता है कि जैसे ये तमाम कुछ जानते हुए भी पर्दादारी चाहते हैं, इन्होंने उनको बोलने नहीं दिया, असूलन या तर्जुमान ने आना चाहिए था, वजीर आला को नहीं आना चाहिए था, ये तर्जुमान आता, ठीक है, अब हम अगर ये कहें जी वो अब इस केस पे के आर्मी के चीफ आके बोले, बिल्कुल सही, तो ये अजीबो गरीब ये मामला जो ड्रामा हो रहा है, मैं मशकूर हूँ अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, डॉक्टर शाहिद साहब को, जिन्होंने ये दावा किया, और बड़ी खोज, ये आपको पता है 5-6 दिन तो वैसे गायब ही रहे हैं, हम भी सोचते थे कहाँ, मैं तो ये सोचता था शायद किसी अरब कंट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में हकीकत का पता चला कि ये अपनी तहकीकात में लगे हुए हैं, और अल्लाह करे कि इनकी ये जो जर्नलिज्म है, जिसको मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ये काम अगर किया है तो इनके सर पे सेहरा है, इन्वेस्टिगेशन इनकी बहुत माशाल्लाह कामयाब है, और अल्लाह करे कि ये हो कुछ ना कुछ हो। जी उन शख्सियत से पूछते हैं कि जिनका काम ही जो खोज लगाना और इन्वेस्टिगेशन, और खासतौर पर इन मामलात में कितना वजन दिखाई दे रहा है सहरी साहब, जो डॉक्टर साहब इंकशाफात कर रहे हैं और जिस अंदाज से केसेस हो रहे हैं, और दुनिया भर में
आज अमरीकी ओलंपिक जिमनास्टिक डॉक्टर को सजा मिली है उम्र कैद की 175 साल। जी हाँ, जिसने वीडियो बनाई उन जिमनास्ट जो बच्चियां लड़कियां थी खवातीन की, तो हर दुनिया में ये एक ट्रेंड चला हुआ है। तो ये जो बात हुई है, अपडेट्स हैं जो डॉक्टर शाहिद ने की है, कितना आपको उसको वजन दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई दिनों से जनक पर और उसके नजम ने की जाने वाली तफ्तीशें जितनी हैं उनको ऊपर मीडिया का तकरीबन हर प्रोग्राम ही इसी पे चल रहा है, क्योंकि ये एक दिल को खो लेने वाली बात है और हर आदमी कंसर्न है। हम अपने सारे दुख भूल गए हैं और वो दुख हमने हर घर में जो है वो पाला है कि ये ज़ैनब का किस्सा शायद हमारे घर का किस्सा है। बिल्कुल, और ये बात सही भी है किसी हद तक। सही। तो एक बात तो ये हो गई। अब डॉक्टर शाहिद साहब, हम इस बात को आगे लेके चलते हैं जो बाकी तमाम चैनल्स पे आ गई हैं, वो तो हमारे नाज़रीन ने सुन ली। एक उसमें आपने महसूस किया होगा कि बहुत लोगों ने इस खदशे का इजहार करना शुरू कर दिया था कि शायद इमरान खान असली आदमी ही ना हो। ठीक है, ये इन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ के तो आगे कर दिया और उसको जो ना वो जिसे वो कहते हैं हमारे इंडिया में बलि चढ़ा देंगे अब उसकी। हाँ। ताकि बाकी सारे दुख जो ना वो सारे हाँ। वो हो जाए, कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी का बकरा उसको बनाया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब की जो इतनी दबंग किस्म की जो उन्होंने दावा किया है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना और फिर उनकी सुनवाई भी होना, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रोग्राम को इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि उसको पूरी अहमियत दी, मुकम्मल अहमियत दी। अब वहां पे जाके उन्होंने अपने बयानात के ऊपर बल्कि मजीद इंफॉर्मेशन उन्होंने चिट पे लिख के दिया, वो नाम एमएलए साहब का या वजीर साहब का जिसका भी लिख के दिया है। अच्छा साहब, इस मामले को राणा सनाउल्ला ये ऐसा देख रहे हैं कि हमारी कारगर्दगी को छुपाने के लिए, हमारे खिलाफ सियासी एक महाज बनाने के लिए ये एक खेल खेला जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं एक पहली बात, मैं जो एक फिक्र में वो पहली बात मुकम्मल कर लूं कि वो ये है कि अब कम से कम उन्होंने कहा है कि 37 अकाउंट्स जो है ना वो उसके फॉरेन करेंसी के हैं। अगर वो 37 अकाउंट्स में से 37 ना हो, सारे साथ ही निकल आए, जी जी जी, है एक भी निकल आए, मतलब उस जिस जो उसको पेंटिंग दी जा रही है उस इमरान को, उसके बारे में अगर एक भी अकाउंट निकल आए तो कम से कम ये हो गया कि ये वही इमरान है जो ज़ैनब का कातिल है और यही उन पहले जो 10 वाकयात हुए हैं उन बच्चियों का भी यही कातिल है। एक बात, फिर एक तफ्तीश का नुक्ता आप जहन में रखिए कि वो बच्ची को अपने उस घर में नहीं लेके आता जिस घर में वो रहता है। ठीक है, वो लेके जाता है उसको फैरोजपुर रोड के पार जो है ना, वो किराए पे जो लिया हुआ घर है 25,000 पे। अच्छा। और वो ताला लगा हुआ होता है उस घर को। अच्छा, ठीक है, पुलिस वहां तक गई है, उन्होंने खोला है उसको। अच्छा। अब वो घर खाली है, वहां पे कोई नहीं रहता है, इसके पास ही चाबी है, जाके खोलता है, 25,000 उसका किराया है। अब इसका मतलब ये है कि कम से कम 25,000 मंथली तो ये अफोर्ड करता ही है ना ये पागल आदमी। बिल्कुल है, तो जब ये सारी कड़ियां आपस में मिलेंगी, मैं एक बात बता दूं, ये एक आप जहन में रखिए कि है ये माफिया। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, पुलिस कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि वहां पे जितने भी पुलिस वाले, देखिए मैं उसी महकमे से बिलोंग करता हूं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वहां पे जितने भी आदमी थे लगे रहे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि वो बेगैरत थे जो भी वहां का पुलिस का इंचार्ज था। आप थानेदारों से कुछ भी आप तवक्को करें, अपने सिपाहियों से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन जो वहां पे डीपीओ बनकर एसपी की कुर्सी पे बैठता है वो आदमी उस कौम की अमानत होता है जो उनको आगे लाता करता है, जहां पे वो जो उसके खर्चे और उसकी जो है ना नौकरी और उसको सारा कुछ डाल, वो बेसिकली हुकूमत का आदमी नहीं होना चाहिए। वो होता ये है कि वो जिस काम के लिए वहां पे बिठाया है, वो लोगों को अमन अमान देने के लिए, तफ्तीशें करने के लिए, खोज करने के लिए। अब 150 आदमी जो पहले बच्चा जो है वो पहले किसमें गया, इसके बाद 11 ये निकल आई एक ही शहर में, और हर बात और थानेदार तो होते ही, मतलब वहां के जो जितने लगे रहे, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, वहां पे तो लूडो पे जुआ थानेदार की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये तो अब मैं बड़ा मामला था, सबसे पहली नालायकी जो ना उस डीपीओ की है जिसको ये नहीं पता कि इस थाने के इलाके में क्या वाकयात हो रहे हैं।
वो जितने 11, बिल्कुल आपने सही कहा, 11 वाकया तो वो है जो मंत्रियाम पे आ गए, एन मुमकिन है ये 111 हो, 100 केस जो है ना, वो इसलिए कि पुलिस, मेरे अपने जहन में अपने तजुर्बे के मुताबिक पुलिस एन मुमकिन है ऐसे केसेस में 5% केसेस भी दर्ज ना करती हो, वो सारे का सारे गए जरूर होंगे थानों में, लेकिन उनको सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, वो थानेदार, यही थानेदार जो अभी यहाँ पे यहाँ से सस्पेंड हुआ है, ये थानेदार 4 महीने पहले उन लड़कों की तफ्तीश में भी था, अब लोगों को नहीं पता था कि ये वही थानेदार, किस वक्त वो तफ्तीश मुकम्मल हुई, वो रीइंस्टेट हो गया वापस आके। यानी आप उस मौके को भी देख लेना कि पुलिस कितना ज्यादा उस मामले को दबाना चाह रही थी कि दो नहाते लोगों को मारना जो था ऐसे ही था कि जैसे पुलिस जो है वो बड़ी बौखला गई है या कहीं से आर्डर आ गए कि अब इस पर अगर थोड़ी सी आवाज उठी तो मामला बहुत ज्यादा उनके खुद फंदे जो है वो गलों तक पहुंचेंगे। राना साहब आपके भी थोड़े रिव्यूज ले लूं, पहले डॉक्टर साहब जो शायद मसूद साहब इंकशाफ कर रहे हैं उस पर, और फिर आगे ये जो प्रोसेस चलेगा फांसी की सब बात कर रहे हैं और इसके लिए क्या कानून साजी हो, लास्ट प्रोग्राम में सही साहब ने कुछ हमें बताया, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब की जो इंकशाफात हैं उनको आप कितना वेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुक्र अदा करता हूँ उस रब काबा का जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में हजारों साल जिंदा रखा, और ये जो इनकशाफात हुए हैं, ये जो एक स्कैंडल सामने आया है, मैं इसको इस चीज से जोड़ता हूं कि ये भी पाकिस्तान की तब्दीली का एक बायस बनेगा। ठीक है, मसलन ये जो अवेयरनेस है हर तबके में पाकिस्तान के, वो आई है। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे या जिस तरह पुराने रस्म व रवाज थे कि अपने छोटे बच्चों से या बच्चे बाप से बात करते या माँ से बात करते, इस किस्म से झिझक महसूस करते थे, जे, जे। अब मेरे ख्याल में वालदैन को भी आगाही आई होगी, बच्चे तो बच्चे ही हैं, और जो टीचर्स हैं जो उस्ताद हैं उनमें भी ये आगाही आई होगी कि बच्चों को स्कूल्स में यहाँ तक की एजुकेशन देनी है, एक इसका पहलू। दूसरा पहलू यह है, ये जब वाकया जिस तरह मोहतरम दोनों मेरे भाइयों ने बात की कि ये जो पहले जब वीडियो स्कैंडल आया है उस वक्त जो पुलिस थी उन्होंने कुछ बंदे, दो बंदे जो है ना वो इनकाउंटर में मार दिए। अब उन बंदों के अलावा जो बच्चियां जिनका अल्जाम पे मारे, अब पता चला है कि वो बच्चियों के जो डीएनए है वो इस इमरान से मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो बंदे वो भी बेगुनाह मार दिए। ठीक है, अब अभी आप देखें कि जब एक आज वालदैन में से एक वालद बात कर रहा था कि मैं एसएचओ साहब के पास गया हूं पुलिस स्टेशन पर्चा दर्ज करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा जी मुझे हमें बताओ किसी पर फिंगर जो है ना आउट करो तो हम किसी को गिरफ्तार करते हैं, एक दफा दो दफा। अब चूंकि मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में एज ए, चूंकि ये कोर्ट उसी में ही जाना है जहां मैं काम करता रहा, इंचार्ज रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस प्रोसिक्यूटर को और या प्राइवेट वकील, आज आफ्ताब बाजवा साहब मुझे लगता है हो जाएंगे, ठीक है, कि एक सेक्शन है 21I जो इन्होंने बात किया ना कि पुलिस को, पुलिस को एड और अबैटमेंट में, जो उस वक्त पुलिस थी उसकी एविडेंस लेके, ये अबैटमेंट है उनकी एड है उस बंदे को जिसको गिरफ्तार नहीं उन्होंने किया जान बूझ के, और एक डिफॉल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन भी वहां मौजूद है जिसके साथ एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को अख्तियार है कि वो इसके सजा दे, तो मैं कहता हूं इसको एग्जेम्पलरी केस इस लिहाज से भी बनाना चाहिए। अब जो बात शायद मसूद साहब ने की है और उसका चीफ साहब ने जो 184 के तहत आज सुप्रीम कोर्ट नोटिस लिया है, ये कोई एक आम बात नहीं है जी। अब मुझे अफसोस ये हो रहा है कि राणा सराउल्ला साहब ने उस स्कैंडल में भी, वीडियो स्कैंडल में भी ये बात कही कि जी ये तो जमीन का झगड़ा था केसेस का और उसके में ये सारा इकट्ठा होकर सारा मामला जो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, और आज भी वो कह रहा है कि जी ये तो इमरान खान एक लुफ्ता किस्म का बंदा है, ऐसे ही उसकी बड़ी थी, ऐसे ना उसके कोई अकाउंट है। देखिए ना, कम अज कम आप तस्दीक कर लेने दें, कोई
सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया हुआ है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन आ रहे हैं, आप उससे पहले उसका दिफा कर रहे हैं, आप कहते नहीं है उसका कोर्ट है ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए बड़ी वर्गर बात मुझे नजर आती है और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है कि ऐसा तो हमारा एटलीस्ट ही इज लॉ मिनिस्टर ऑफ वन ऑफ दी आई थिंक द प्रोविंस, कि उसको लार्जेस्ट प्रोविंस, उसको कुछ बात करते हुए आवाम के अंदर सोचना चाहिए ऐसी बात करते हैं। बिल्कुल सही, उनकी डिफेंस ले रहे हैं अभी। जी हाँ, तो नाजरीन अभी टेलीफोन नंबर आपके सामने है, आप भी शामिल हो सकते हैं। मुख्तलिफ ऐसी जो चीजें हैं, जाहिर है जैसे जैसे आपको अपडेट्स मिल रही हैं, आप भी चाह रहे हैं इस पर बात करना, जो स्टेप उठा लिए गए हैं वो भी हमारे सामने हैं। एक इसको काबिल सताइश बात कहना चाहिए कि ये सिर्फ मीडिया की हद तक, ये प्रोग्राम की हद तक, वो जो इंकशाफ एक एंकर पर्सन ने किया वो वहीं तक नहीं रह गया। चीफ जस्टिस साहब ने उसका सुमोटो एक्शन लिया है, उसकी हियरिंग हुई, उन्होंने एक नाम भी दिया है, कहा कि उन्होंने जबानी उस नाम को पुकारा नहीं अदालत में। डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक पर्ची पर नाम लिख के चीफ साहब को दिया और वो उन्होंने जेब में डाल दिया। तो ये मामला, ये एक दावा देता है कि इसकी तफ्तीश की जाए, और जब वजीर कानून साहब ये ऊपर उसके ऊपर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी माइक बंद कर रहे हैं, बल्कि पहले ही डिक्टेट करें उनके वाले साहब को कि फला फला बात जो है यहां पर कहना आपके लिए मुनासिब नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ छुपाने की जरूर कोशिश है। और फिर पुलिस का उसी दिन इस अंदाज से उन नहाते शहरों पर अटैक करना कि कोई भी उस मामले को उठाए ना, लेकिन मामला उठ गया, इसमें तमाम जो शहरी हैं जी शहू उनको सरसेरा जाता है, उनको और वालदेन जो बेचारे वो कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार था, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, उनके खुद चचा और मामू इसमें, बल्कि उनके पूरे खानदान के लोगों ने खुद DNA जो है वो करवाए, तो उन सब का वो शुक्रिया अदा करना चाहते थे जो जैनब के वालिद थे, लेकिन उनके फौरन माइक बंद करके उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन अब सिर्फ एक पीटीवी तो है नहीं कि आप जावेद इकबाल के जो 100 कत्ल हैं उसको भी कह दें कि ये इसने खुदकुशी कर ली है। अब तो जगह जगह सोशल मीडिया है, वो खुद लाइव आ सकते हैं, चैनल्स उनको ले सकते हैं, ले भी रहे हैं, तो ये अब मामला दबने वाला नहीं है। अगर सियासत उनकी 80s और 90s की चल रही है मियां बरादरान की, तो अब थोड़ा सा उनको होश के नाखून लेना है कि हेलीकॉप्टर से अगर फूल की पत्तियां बिछा के उनको निछावर करा के तो लोगों को इंप्रेस कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने वकील के साथ आफ्ताब बाजवा के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा खान साहब, इसके बाद जो आप देख रहे हैं क्या हो सकता है, क्योंकि जावेद इकबाल को भी मार दिया गया, कहा गया जी खुदकुशी कर ली, तो उसकी सिक्योरिटी का भी वहां आज इस पर बात हुई सुप्रीम कोर्ट में कि उसको महफूज रखा जाए, इमरान को ये ना हो कि कोई जहर दे दे, मार दे, तो इस मामले में अब कितना ज्यादा हसासियत होगी इस केस में? हसासियत ये है जिस तरह के जो है इस पार्टी टू दिस सीरियस क्राइम, यानी कि इस मुकाम पे मेरे साथ माशाल्लाह एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो कि ये करते रहे, वो प्रोसिक्यूटर भी है, एक ऐसे मुकाम पे कि जहां भी इंक्वायरीज हो रही हैं उस वो रिमांड में है, पुलिस रिमांड में है, उसके लिए आके आपने पब्लिकली टीवी पे आप उसकी सफाई पेश कर रहे हैं, इससे बड़ा जुर्म तो कोई है ही नहीं। सही। सबसे पहले तो मैं, अगर मेरी राय हो और मैं अपने देखता हूं, तो राणा साहब को फौरन अरेस्ट कर देना चाहिए। सही। हाँ जी, उन्होंने बकायदा देखा ये कारे क्यों नहीं, ये कार्य सरकार में, कार्य सरकार में मुदाखलत, और खासतौर पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो पूरी कौम से चाहती है, उस पे आके कल वो माइक बंद करना वजीर आला का, चलो वो तो हम कहेंगे चलो किस वो हो गया, लेकिन ये खास लेकिन पुलिस उसका असर ले सकती है और इन्वेस्टिगेशन का रुख चेंज कर सकती है कि हमारा लॉ मिनिस्टर का ये व्यू है तो हम इसके खिलाफ ना जाएं। हाँ, तो ये जो है ये क्राइम है बसाते खुद, तो इस पे फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए और राणा साहब की जो है ना वो जरूर इनकी इन्वेस्टिगेशन हो, कहीं ऐसा ना हो अब मेरा ज़हन कहीं और चला है कि जो पर्ची दे के आए हैं वो डॉक्टर साहब वो कहीं इन्हीं का नाम तो नहीं इस पर्ची पे जो इतना बुखला गए हैं, कोई पता नहीं। दूसरा, डॉक्टर साहब ने अभी बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का नाम लिया, आप किस तरह कह रहे जी स्टेट बैंक, जबकि अभी इन्वेस्टिगेशन ये रात को देखें आप बात सुने, कल डॉक्टर साहब ने सिर्फ फॉरन बात की है कि फॉरन अकाउंट है, बैंक का नाम नहीं दिया, आपने सुबह होने से पहले ही नाम दे दिया कि जी हमारी तो स्टेट बैंक की GIT भी बिठा दे हमने दो बंदे, यानी हाँ आप अचानक टीम भी आपने पैदा कर दी, वो GIT में आपने स्टेट बैंक के बंदे भी भेज दिए। अरे बाबा आप ये बताएं, आपने साइबर एक्सपर्ट्स बुलाए वहां,
देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दो चीजें हैं, हमें दो चीजें देखनी है कि ये जो क्राइम है इस क्राइम को आप किस तरह लेते हैं, क्या आप इसको वही क्राइम ट्रीट करेंगे जो आज से 20 साल पहले होता था, कि आप वो ट्रीट करेंगे जिसमें साइबर भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर उस तरफ हम जाते हैं तो आपको फिर जेआईटी में तमाम लोगों को लेना चाहिए, लेकिन इनकी कोशिश नहीं लग रही ना कि ये कुछ चाहते हैं कुछ डिस्क्लोज हो या कुछ मामला। अच्छा सैयद साहब, एक आपकी प्रैक्टिस अगर इसमें आपका जुमला हो जी, मैं एक गुजारिश में शामिल, मैं गुजारिश कर देता हूं सर, ये जो बात हो रही है ये हम जो है एक पूरी कौम ये उसको धोखा दिया जा रहा है। बेसिकली तफ्तीश अब इनकी बनाई हुई जेआईटी के पास रहनी नहीं चाहिए, रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। बड़ी सीधी सी ये मामला जो है ये किसी तरह भी पनामा लीक से कम नहीं है, ये उससे तो बड़ा है, उसमें एक आदमी या एक पार्टी इन्वॉल्व थी, इसमें हर घर इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसका जो है मोटो लिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जब आपके सामने एक खुल के आए एक आदमी जो असल विटनेस है वो तो अभी आ गया ना, कि वो लेके आया है तफसील उन आदमियों की भी जो इस रैकेट में जो इस माफिया में करने वाले, बाकी तो असल में पीछे बड़े एमएनए एमपीए टाइप पता नहीं कौन कौन से लोग निकलेंगे बीच में, इसलिए कि जो पहले जो 150 आदमियों का जो है ना वो बच्चों का जो किस्सा था वीडियो वाला सही, उसके बाद ये जो 10 मर्डर है और वो जिस तरीके से उनको डील किया गया उसका वो साबिका तमाम तजुर्बा ये बताता है कि ये सारे लोग थाने वाले इंक्लूडिंग ये मिले हुए हैं सारे, ये उस जितने ये जो 37 अकाउंट्स हैं उनमें से जो बूटी निकलती है उनमें से जो फायदा होता है जो कैश निकलता है वो सिर्फ उन लोगों तक नहीं रहता, वो बहुत सारे लोगों में तकसीम होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वो जेआईटी जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस की है और खासतौर पर जिसको कंट्रोल कर रहे हैं राणा सनाउल्ला साहब, उनसे माजरत करके वहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि कल पुलिस ने 14 दिन का रिमांड लिया है कोर्ट से, वो रिमांड सारे का सारा दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो जानबूझ के जाया कर देंगे ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम सबका ये ख्याल है कि ये किसी ना किसी तरीके से उसको मार देंगे, बाद में किसी एक सिपाही और एक एएसए पे पर्चा दे देंगे जनाब इसने तशद्दुद से मार दिया, जज्बात में आके तशद्दुद से मार दिया। अच्छा, और ये तो उसकी तफ्तीश जो इस मामले में आप देख रहे हैं कि जिस उसकी कुछ तफ्तीश के दौरान की क्लिप्स भी आ गए हैं, इसका मतलब है वो उसकी सिक्योरिटी के मामला उसको डील कर रहा है, कि वो कह रहा है बच्ची को मैं गलियों में लेके घूमता रहा हूं, ये क्लिप्स वो वहां तक रसाई किसकी कैसे निकला, ये साजिश है। ये जो चीफ प्रोसिक्यूटर है मेरे पास बैठे हुए जिन्होंने सारी उम्र यही फाइलें देखी हैं, सही है, और मेरा एक अपना कंट्रोल का एक एक्सपीरियंस एक हुआ, मैं गुजारिश करता हूं ये जानबूझ के ये रिपोर्ट बाहर दी गई, जानबूझ के इसको मीडिया को दी गई, मीडिया वाले हमारे खुश हो गए कि जनाब उसने ये बयान भी दे दिया, ये बयान भी दे दिया। भाई ये जो हमारा 94 का शहादत एक्ट है उसके तहत पुलिस के सामने जो ना वो बयान की कोई बुकत ही नहीं है, ये आप जहन में रखिए, इसलिए कि उन्होंने पुलिस के सामने जो भी उसने बयान दिया है वो दफा 161 में चले जाते हैं, ठीक है। इवन आजकल तो बल्कि ये गुंडागर्दी पाकिस्तान में हो रही है, ये मेरे साथ मुझे सेकंड करेंगे कि आजकल पुलिस वाले 164 का बयान नहीं करवाते, इसलिए कि वो उसने सिर्फ एक ही फिक्रा कहना होता है जाके कोर्ट में कि जनाब मैंने तो खौफ के मारे में मुझे तशद्दुद किया था, अब ये जो और इसहाकदार की अब सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, मजिस्ट्रेट के सामने उसने एफिडेविट दिया सारा, लेकिन वो कह रहे हैं वो सारा कुछ, ये आजकल एक कॉमन किस्म की एरर है। और मैं कॉलिंग आपको जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अब टीवी की आवाज कम करते हैं, आप लाइव आ चुके हैं जी। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आप बात कीजिए, लाइव हैं जी, लाइव। तो मैं कहना ये चाहती थी कि आपका प्रोग्राम अहले बैत के लिए सियासत पे मबनी बहुत अच्छा है, मंचस्टर से बोल रही हूँ मैं, ठीक है। असल बात ये है कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, जैनब हो या कोई भी कौम की बेटी हो, ठीक है, जुल्म है, लेकिन ये जुल्म खत्म कब होगा, कब ये इंसाफ मिलेगा लोगों को? अब पता नहीं वो दहशतगर्द है, उसके कहाँ कहाँ अकाउंट है, अब हमारे ही सियासतदान उठ के उसकी सफाई पेश करेंगे? जितने भी सियासतदान आज मुल्क में है, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, इनको कब सजाएं होंगी? अगर इनके अपने बच्चे हों तो उनके क्या गुजरे इनको पता चले?
जिसकी भी बेटियां चली गई हैं वो वालदैन किस तरह परेशान है। मुझे मेरा इन सब लोगों से सवाल है कि इनके इनके ऊपर इन लोगों को सजाएं मिले जो मुल्क पे कौम का पैसा खा के इन मुल्कों में ला के इधर बैठे हुए हैं बड़े आराम से, इनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे इधर रह रहे हैं, तो उन लोगों का क्या हाल है जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो इनसे पैसे लूट के जो लेके आए इनसे वापस लिए जाएं, इनको सजाएं हो, ये जो दूसरों की फेवर करते हैं इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो रहा है लेकिन उससे पहले अगर वो क्लिप जो इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ये सारा कैसे बाहर आ गया, हम वही दारे हैं बदनसीबी से कि जो आ जाते हैं, सोलत मिर्जा का सब कुछ आ गया, डॉक्टर आसम का क्लिप कहीं से आ गया, वो सब बाहर हैं। जरा सुनते ही क्या कह रहा है। रोशनी रिसीवर चलता पे बेकरी करके अगली साइड ते मैं बाबा दूर दर्शन मैं सामने जरा ना ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ जी। पहले तो इस किस्म की जो उससे तफ्तीश हो रही है वो वीडियो कैसे बाहर आई, जैसे भी आई तो उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जैसे बहन का और सारे पाकिस्तानियों का बल्कि पूरी दुनिया में जो भी अमन पसंद लोग हैं ख्वाहिश यही होती है कि जो भी जो मुजरम है उसको करार बाकी सजा मिले, लेकिन वो किन किन सीढ़ियों से होता हुआ ये हमें। वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम इवनिंग आर में। पहले इससे हम बात कर रहे थे ज़ैनब कत्ल केस से मुतालिक ही जो नई अपडेट्स हैं, इमरान अली नामी जो मुजरम पकड़ा गया है उससे मुतालिक जो नए इंकशाफात हैं, इससे मोटो एक्शन लिया, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कुछ नई मालूमात दी हैं, उस पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने वो क्लिप दिखाया कि किस अंदाज से एक रवायती तफ्तीश या कुछ ऐसे लोगों के या ऐसे इदारों के हाथ में अभी तक लग रहा है कि वो एक बड़ा मुजरम है कि जो होना नहीं चाहिए उनके हाथों में, तो क्या यही तरीका कार रहेगा हमारी तफ्तीश का या जितना हसास मामला है उसको उसी अंदाज से डील किया जाएगा। तो आप भी शामिल हो सकते हैं। जी सर जी, जिसी मौजूद को हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना उसी को कंटिन्यू करते हैं कि अभी जो तफ्तीश है इमरान की वो है पंजाब हुकूमत की बनाई हुई जीआईटी के पास। सही है, वो जीआईटी वही जीआईटी है जो कि रवायती पुलिस आप समझ लीजिए। ठीक है, ये केस जानबूझ के खराब हो रहा है, किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए कि ये जो वीडियो जो आपने सवाल भी किया था कि ये वीडियो बाहर कैसे आ गई, ये कभी भी पुलिस की और थानों के हमारे ड्राइंग रूम की तफ्तीश जो है ना वो बाहर नहीं आया करती। अच्छा, इसको जो सुप्रीम कोर्ट किसी और के हवाले कर सकते, मैं यही गुजारिश करने वाला था कि हम इस प्रोग्राम के तहत हमारी कौम मिलकर हमारे नाजरीन ठीक है एक अपील करिए हम, इसलिए कि केस पहले ही उनके पास है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, वो उसी किस्म की जीआईटी बनाना चाहिए उनको जिस किस्म की जीआईटी पनामा लीक्स में बनी थी, जिसके ऊपर किसी किस्म का खौफ या दबाव जो है ना वो कबूल ना करे, ताकि हमारे पाकिस्तान में एक जैसे राणा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम उनमें एक और स्टेप इजाफा कर दें कि पहली जीआईटी को अभी तक लोग सैल्यूट करते हैं, एक अगली जीआईटी इस उस मामले में जो कि एक वो माफिया ही के बारे में है, पहले भी आपने एक माफिया जो है ना उसको शिकस्त दी है सुप्रीम कोर्ट ने, एक ये अभी दी नहीं है, है? हो जाएगी नहीं, नहीं, नहीं हो जाएगी, विनिंग स्ट्रोक तक हम कह नहीं सकते जी, मैं यही मिल गए, मैं कहता हूँ अगर उसी बारे में एक बार जेआईटी एक वहां से अनाउंस हो जाए उसी किस्म के आदमी की हो जाए उसी किस्म के, इसलिए कि इन्होंने केस को खराब करना है, रिमांड भी जाया करेंगे, ये चीजें बाहर भी निकालेंगे और
ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ نقصان ہوگا, وقت زیادہ گزرتا جائے گا اور لوگوں کی تکالیف میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ جے آئی ٹی تبدیل ہونی چاہیے اور کورٹ کی طرف سے اسی قسم کی جے آئی ٹی بنے جیسے پہلے تھی, میری یہی گزارش ہے. اچھا راز صاحب, پروسیکیوٹر آپ رہ چکے ہیں اس معاملے کو, اور عموماً عدالتوں کے سینئر ججز کا یہی ہوتا ہے کہ ہم کیسے سزا دیں, پروسیکیوشن نہیں ہوتی. ریمنڈ ڈیوس معاملے کو بھی آپ نے خود ڈیل کیا, کیسے کس کس راستے سے اس کو نکلوا دیا, یہاں پر کیا کیا ڈھیل دی جا سکتی اس مجرم کو؟ نہیں دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو آپ کو ایکسپلین کروں کہ آلویز جو ڈیسیجنز آتے ہیں اٹ از آن دی بیس آف دی ایویڈنس. صحیح ہے. اب ایویڈنس ہوتی ہے کافی قسموں کی, جس میں پہلے اس کے دو پارٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایڈمیزیبل اور ان ایڈمیزیبل ایویڈنس. اس طرح سہری صاحب بتا رہے تھے کہ پولیس کے سامنے جو اگر کوئی بندہ اپنا اعتراف بھی کرتا ہے تو ان ایڈمیزیبل ایویڈنس ہوگی, کیونکہ بیفور دی پولیس دیر از نو ویری. ٹھیک ہے. اب اس ان کیسز میں سرکمسٹانشل صرف ایویڈنس ہے, اس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنے یہ کیسز ہیں کوئی آئی وٹنس نہیں ہے. لیکن یہ ڈی این اے اور یہ سارا میں آپ کو یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس میں آئے گی ساری. ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ دیکھیں نا, اس میں جے آئی ٹی بن گئی ہے, آٹومیٹک بن گئی ہے. اب یہ دیکھیں اس کی دیکھنا ہے کیسی, یہ تو فارمل ہے یا ایکچوئل, کیونکہ اس میں آئی ایس آئی کا بھی بندہ ہوگا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ کرتی ہی انویسٹیگیشن ٹیم ہے, اس کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کو بولتے ہیں. اب باقی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریباً ایک فارمل سی ہوتی ہے, یوں کرتے ہیں پولیس ساری انویسٹیگیشن کر لیتی ہے اور سے جا کے سائن کروا دیتے ہیں. یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو باقی دو بندے ہیں اس میں اسپیشل برانچ کے اور ملٹری کا, اس بندے کو پورا ایکٹیو ہونا چاہیے اس کیسز میں. اب جو ان کے پاس انویسٹیگیشن میں کیا کرنا ہے, انہوں نے دیکھو یہ کیس کو بہت اب کمپلیکیٹڈ نہیں رہ گیا. ایک تو وہ فرانزک کی رپورٹ آ گئی, ڈی این اے میچ کر گیا, وہ سرٹیفکیٹ پیپر جو انسان جھوٹ بول سکتا ہے, یہ سائنٹیفک چیزیں جھوٹ نہیں بول. نمبر ون. نمبر دو, اب اس کو بیفور دی میجسٹریٹ, جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ حساب ڈھار گیا تھا, اس کے سامنے 164 کی سٹیٹمنٹ کروانی چاہیے, وچ وڈ بی دی ایڈمیزیبل. پولیس کے سامنے ان ایڈمیزیبل ہے, میجسٹریٹ کے سامنے یہ دو میجر ہیں کام کر. ٹھیک ہے نا. اب باقی چیزیں ہیں جو اس کی, دیکھنا کوئی ڈیڈ باڈی اس کے گھر پہ ابھی تک نہیں, جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے وہ جا کے نہیں کیا سکتا. اچھا, وہ جا کے ریمانڈ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ میں یہی باپ کو بتا رہا ہوں, 14 دن میں جا کے یہ کرے گا, وہ ان ایڈمیزیبل ایویڈنس آنی ہے جتنی ریمانڈ میں آنی ہے, کچھ بھی کرے گا سوائے کہ ایک وہ میجسٹریٹ کے سامنے جا کے اپنی 164 کی سٹیٹمنٹ. یہ انہوں نے کرنا کیا ہے, وہ اگلی ہیئرنگ پہ ہوگا یا اسی 14 دن میں ہو سکتا ہے؟ یہ 30 دن کا, یہ 90 دن کا بھی ریمانڈ ہو سکتا ہے, ایسی بات. لیکن 90 دن کا میں آپ کو جو جس کی طرف لے کے جا رہا ہوں, یہ بڑی فارمل چیز ہے. یہ جو ہے نا, اب حدود زنا جو افینس ہے یا مرڈر ہے, یہ تو فارمل ہو گیا ہے. اب جو بات سامنے آ گئی ہے, اصل بات وہ انویسٹیگیشن کرنے والی ہے, جو اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں, جو غیر ملکی اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں. یہ تو اب کیس پروو ہے, اس میں تو ڈی این اے میچ کر گیا, 164 کی سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پہ ساری باقی ان ایڈمیزیبل آنی ہے, اس نے جانا ہے, انہوں نے لے کے جانا ہے. بے شک بعد میں پوچھ لیں جی یہ بچہ میں نے یہاں قتل کیا تھا, یہاں سزا کیا تھا, یہاں کیا تھا, یہاں تھا, نقشے بن جائیں گے, لیکن وہ ساری ان ایڈمیزیبل ایویڈنس میں, کیونکہ یہاں کو اس باب. اچھا, کل قرار ران صاحب ہماری تاریخ ہے نا, یہ سارے والدین بچیوں کے اس کو معاف کر دیتے ہیں, دیت لے لیتے ہیں. نہیں, اس میں دیت نہیں ہے, یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیت نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس میں دیت تھی قتل میں, یہ 780 ہو گیا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا, یعنی ریاست کے اپنے ہاتھ میں بھی سب کچھ ہے, یہ اپنے ریاست کے ہاتھ میں. یہ دو طرح سے نان کمپاؤنڈیبل ہے, ایک 780 لگ گیا وہ بھی نان کمپاؤنڈیبل ہے, دوسرا جو افینس آف حدود زنا ہے وہ بھی نان کمپاؤنڈیبل ہے, یہ کمپاؤنڈ نہیں ہوں گے. ہاں, اس میں ایویڈنس سے ریزائل ہو سکتا ہے, لیکن ایویڈنس کسی کی ڈائریکٹ ہے ہی نہیں. اب خوش قسمتی یہ ہے کہ آن بہاف آف دس اکیوز وہ لیڈ کرے کہ جہاں سے کسی مقتولہ کے کپڑے مل جائے, ٹھیک ہے, کہ اس نے آخر قتل کیا ہے وہاں سے کچھ ایسے, یا اس کے بیڈ سے پہ کوئی چادریں لیں یا جہاں لیں وہاں کوئی ایسے چیزیں مل جائیں جن کا ڈی این اے ٹیسٹ فردر آ جائے, اور وہ بھی وہ جیکٹ وغیرہ پکڑی گئی جو سی سی ٹی وی میں آئی ہے, سارا کچھ کیا پکڑی گئی ہے, جیکٹ جو اس نے پہنی ہوئی تھی سی سی ٹی وی. جیکٹ سے تو دیکھنا جی, جیکٹ تو وہ ٹی وی, ایک تو ایویڈنس آ گئی نا, اس کا بھی اب
प्रोसिक्यूटर पे डिपेंड करता है। यानी ये एक जो पते की बात नाज़रीन के लिए आप जो बता रहे हैं कि ये जो इसके क्लिप्स आ रहे हैं कि मैं इधर गया उधर गया, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ये जब इकरार जुर्म नहीं करता ये कोई वैल्यू नहीं होगी। इसकी वैल्यू इस तरह है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो मैंने सियालकोट में आपको याद होगा कि जो दो बच्चे बड़ी बेदर्दी से लोगों ने मारे थे और पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ, उस केस में मैंने सजाएं करवाई थी। किस बेस पे? उस वीडियो पे जो आपके टीवी पे, वो किस तरह होती है उसका भी एक पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, कि उसको किस तरह कब्जे में लेना है, कब्जे में लेकर उसके ऊपर क्या लिखना है कि फिर उसको कोर्ट के सामने एट द टाइम ऑफ ट्रायल उसको चलाना है, फिर कोर्ट देखे उसके मुताबिक उसका 161 का जिसने वो वीडियो बनाई है उसका 161 का स्टेटमेंट हो, तो तब जाके उसको सजाए होगी उसमें। बिल्कुल सही, मैं कॉल ले लूं खास साहब आपके पास आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमाज तक पैरासेल कर रहा हूँ जी भाई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी जो सातु शरीफ हुमायूं का नाम राणा साहब है मेरे हाथ में। जी जी राणा बख्त, सभी सभी बातें सभी अच्छी बातें कर रहे हैं जी सर। तो तशरीफ हुमायूं रात मोहतरम की खिदमत में आदाब, और आपका टॉपिक इंसाफ का मिलेगा। देखिए फरुख भाई, जो मेरी अकलम शोर में है, हकीकी जो मासूम बची जैनब की जान और दीगर सूबों में भी ऐसे ही वाकयात रोनुमा हो चुके हैं, ठीक है, इट्स क्लियर। शॉर्ट एंड स्वीट बात करूंगा, अगर वाकई यही दरिंदा मुजरम है, वाकई अगर ये मुजरम है तो इंतजार की चीज का, चार दिनों में पूछगिछ, हकीकी तफ्तीश और फिर फैसला। लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ प्रोसेस जो भी है, इसे जल्दी हो जाए तो मसला हल हो जाएगा, इसे कहते हैं इंसाफ। मैं फरूख भाई, मैं कसम खा जाता हूँ, आज मैं दिल्ली बयान कर रहा हूँ, सलामी जोहरी ईरान की एक फिल्म मैंने देखी है जिसमें एक औरत से ज्यादती पर दो मुजरम को अपराध को सरेआम फांसी दी गई है, सब दुनिया देखी है, तमाम दुनिया देख रही है, और ऐसे इंसाफ को हम सलाम पेश करते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं, सही, हमारे यहाँ भी ऐसा इंसाफ नहीं, ऐसा इंसाफ नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं कभी नहीं हो सकता, हर किस नहीं, क्योंकि इंतजामिया सियासी लीडरान खुद करप्ट है, वो क्या इंसाफ देंगे? कहते हैं कि बड़े दावों की हद तक तो लीडरान सभी ठीक ठाक है, बाकी और कुछ नहीं। इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का राजी बना, किरदार का राजी बना सका। बहुत बहुत शुक्रिया, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत मेहरबानी, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। 1983 को चाइना के अंदर 30 बंदों को स्टेडियम के अंदर 60,000 का मजमा था, तो सबके सामने उनको सजाए मौत जो है ना वो शूट किया गया था, ऐसी है, जाहिर है, ऐसा आगाज करना पड़ेगा अगर हमने भी ये नासूर खत्म करना है। एक और कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की बहुत अच्छी डिस्कस जा रही है, और बात यह है कि जैनब में जो मर्डर्स हैं उनको सब लाया जाए, और मैंने हजारों फेसबुक पे देखे हैं अपने पाकिस्तान की औरतें जो उनके साथ ऐड हुए इंडिया में वगैरह, उनमें गंदी ये चीजें बहुत बहुत आ रही हैं, और लड़कों में भी आ रही है हजारों में, और ये चीजें इंटरनेट पे सब हो रही है, तो इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई सोल्यूशन नहीं है, और इसके लिए बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये सर साहब, इससे रिलेटेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और फिर जो अफसरान मुख्तलिफ इदारों के शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप खड़े हो जाएं और फिर तालियां बजी, सारा कुछ, ये सारा मामला प्रैक्टिस में है कि सब इदारों के जो GIT सरबराह हैं जिन्होंने तफ्तीश की है वो डायरेक्टली मातहत हैं वजीर आला साहब के या वो इंडिपेंडेंट इदारे? पहली बात, मेरे एक ज़ाती ख्याल है जी, पहली बात तो ये सर के वजीर आला साहब का ये काम ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा इदारे वाले, मैं करता ना, उन्होंने तो फोटो खिंचवानी है, उनसे कोई बैद ना, उनसे कोई अब उसके बाद ये है कि वो जो खास तौर पर वो जो IB वाले या ISI वाले या इस किस्म के इदारों के अगर आदमी को आपने खड़ा कर दिया तो उनकी जान को खतरा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा जुल्म किया है उनकी फैमिलीज पे वजीर आला साहब ने, उनको खड़ा करके देख लें, लोगों ने उसका देख कर क्या करना था, बेसिकली तो ये हक ही नहीं बनता था, कभी किसी को नहीं बुलाया गया, ठीक है, जो आदमी आपकी तफ्तीश में आपकी खुफिया इमदाद करता है, जो भी आदमी, ठीक है, ख्वाह वो ISI से है, ख्वाह वो IB से है, ख्वाह वो स्पेशल ब्रांच का है, ख्वाह वो पब्लिक से है, ठीक है, मंजरे आम पे मंजरे आम पे नहीं आना चाहिए, इसीलिए कि उसकी जान को खतरा होता है, हमारा मुआशरा ऐसा है।
अच्छा, वो जो एक सवाल वो आपने तो फरमाया उनकी सिक्योरिटी से मुतालिक, जो हमारे किसी इधर वजीर दाखिला गए इंग्लैंड के पाकिस्तान में, तो किसी साफी ने पूछा अल्ताफ हुसैन का क्या बनेगा, उन्हें कहा स्कॉटलैंड यार्ड से पूछो, हमें क्या पता। इधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इदारे वाले जो हमारे जो आईबी और ये सारे आपने बताया, वो उसके डायरेक्ट मातहत आते हैं कि वो आजाद इदारे हैं, दोनों ही नहीं आते, दोनों ही जो दो आदमी खड़े किए वो दोनों ही उनके मातहत नहीं आते। और बेसिकली ये जैसे राणा साहब ने कहा और इन्होंने अपने बहुत अच्छी, मुझे तो उससे एक कदम आगे बढ़ के कहना है कि आप राणा साहब को अबैटमेंट पे आप तफ्तीश में शामिल करें। अब ये जेआईटी नहीं कर सकती ना उसको, सही सही, ये जेआईटी नहीं कर सकती। जो सेंटर से जेआईटी बनेगी, जो कोर्ट की तरफ से बनेगी, वो जैसे उन्होंने पहले सर्विंग वजीर आजम को भी बुला लिया और उनके बच्चों को बुला लिया, वो इसको भी बुलाएगी, तो उसके बाद ये फिर सारा सवालनामा उनके सामने, मैं यहां से भेजता हूँ सवालनामा बना के, फिर देख लें राणा साहब कहां स्टैंड करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा खास साहब, असल में मैं एक सवाल सॉरी साहब से पूछ रहा हूँ, ये आप कंप्लीट कर रहे हैं, ये बात कह रहा था कि असल में हम पहले आपके पास जो पॉलिटिकल प्रोग्राम वैसे भी करते रहे, मेरी हमेशा एक बात रही है कि हमारे अधारे जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जब देखें यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर एक हॉस्पिटल में गया था, जी जी, तो डॉक्टर ने कहा नॉट अलाउड, निकल जाओ, गो, बिल्कुल, वर दी एक्चुअल वर्ड्स, और वो शर्मिंदा होकर निकल रहा था। तो अधारे किसी के मतहत नहीं है, अधारों को जब अधारे पाकिस्तान के आजाद हो गए तो मैं समझूंगा उस वक्त पाकिस्तान उसी वक्त होगा। उस तरफ ज्यादा देख रहे हैं रान साहब, एक जुमला इस पर, उस तरफ आजादी की तरफ ये इदारे जाते काफी, देख काफी, रहे हैं, क्योंकि वो जैसे फाइले लेके खड़े थे वो तो रियायत लग रहे थे शहबाज शरीफ के, वो सारे जो अब आप देखे नैब का जो चेयरमैन है उसने अपनी मर्जी का जो प्रोसिक्यूटर जनरल लगवाया है, उसने नहीं बात मानी प्राइम मिनिस्टर की, ये बात होती है अधारों की आजादी, ये आजादी की होती है। उसने तीन नाम आगे से भेजे, पांच इतने भेजे थे, तीन उसके इनके नाम उन्होंने जो है ना वो छोड़कर तीन नाम अपने प्राइम मिनिस्टर ने भेज दिए कि इनमें से लगाओ, उसने कहा जी नहीं मेरे जो पांच नामों में से कोई आप लगाए, और लगाना पड़ा गवर्नमेंट को, सही है, कुछ नहीं होता अगर अदारे के सरबराह खड़े हो गए तो कुछ नहीं होता। अच्छा खास साहब, सवाल जो मैं पूछ रहा था कि जो हमारा माजी रहा है, अगर किसी को फंसाना हो, थोड़ा सा उस तस्वीर के उस रुख की तरफ आए जो राणा सनाउल्ला कह रहे हैं कि हमें फंसाने के लिए, हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये नया शोशा छोड़ा गया है, तो ऐसा शोशा बनाना बनाए तो गए पास्ट में हमारे, ये अब मुमकिन है, या जो इनके खिलाफ कोई ताकतें, अगर नून लीग के खिलाफ या मियां बरादरान के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसी की एक कड़ी हो सकती है, और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं, उसमें क्या इसमें डिफरेंस है? पाकिस्तान में कोई भी जमात या कोई भी हो या कभी इतना नहीं गिर सकती कि मासूम बच्चों को उठा के और नवाज बरादरान के खिलाफ इस तरह का वैश्य कदम उठाए, ठीक है, कोई एजेंसीज का ये खेल नहीं हो सकता, एजेंसीज भी नहीं, शायद मसूद किसी के अलाकार नहीं बन सकते, एजेंसीज इंसानों की है, सही है, वो इतना नहीं गिर सकते। हाँ, इनकाउंटर वगैरह जो है चोरों के होते हैं, लेकिन मासूम बच्चों को कतन कोई नहीं करता, ये सब राणा साहब जो है ना, सही है। मैं जिस तरह फिर उस चीज को दोहराऊंगा कि राणा साहब को भी अंडर इन्वेस्टिगेशन लिया जाए, उनका किरदार मेरी नजर में मशकूक है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहते हों, मेरी नजर में बड़ा मशकूक शख्स है। आप ये देखें कि एक आदमी, ये प्रोसिक्यूटर बैठे हैं, ये बैठे, मैं तो सिर्फ एक रिटायर्ड आदमी हूं, क्या बताऊं कि एक शख्स जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है आपकी इन्वेस्टिगेशन में, इंटरफेरेंस कर रहा है, और किस मामले में कर रहा है, जो कि पूरी कौम की नजरें हैं, 50 करोड़ आंखें उसको देख रही हैं, और एक शख्स उसको डिफेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सही, छोटी सी बात है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि जी अब जो अकाउंट्स आए हैं ये तो नहीं साजिश, पहले कत्ल तो हुए हैं, ये तो सीधी सीधी बात है। अब देखिए ये साजिश इस तरह नहीं हो सकती, अगर अकाउंट निकले तो गवर्नमेंट के होते हुए ये तो नहीं कर सकता कि पुरानी डेट्स में कुछ 37 अकाउंट्स जो पाकिस्तानी और गैर करेंसी के करेंसी के बना रहे, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बात उनकी मैं एंडोर्स करूंगा, ये वाकई ईस्टर्न यूरोप में ये काम होता है, ठीक है, ये आप पॉर्न फिल्मों की अगर इंडस्ट्री भी देख लें, इस वक्त पूरा बॉलीवुड भी जो है वो ईस्टर्न यूरोप में बैठा है, ठीक है, ठीक है जी। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने जो बात करके ईस्टर्न यूरोप की हवाला दिया है, इस पे 99% मैं यकीन कर सकता हूँ, ठीक है, यानी ऐसा। लेकिन फाइनल बात तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई, लेकिन एक बात मैं फिर बार बार गुजारिश करूंगा, यही 37 अकाउंट जो है, यही जैसे राणा साहब ने कहा कि यही बेसिकली
जिसे कहने के ना वेट वाली एविडेंस यही होगी, एक तो डीएनए हो गया ना, अब इसका एक अकाउंट भी मिल जाए, 37 की छोड़े एक अकाउंट भी मिल जाए और उसमें ट्रांजेक्शन यानी ये साबित हो जाए कि मिस्त्री नहीं है, ये मिस्त्री नहीं है, पागल नहीं है जिसका फर्म अकाउंट। एक बात तो जब वो सॉरी बताया नाते पढ़ रहा है तो क्या पागल आदमी नाते पढ़ते जाके उसके विजिटिंग कार्ड पागल आदमी अपनी जेब में लेके घूमते हैं। लेकिन इसका वकील डिफेंस बनाने की मेरा तो ख्याल है इसका वकील पहले तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है, अगर वैसे इंसाफ के तकाजे पूरे करने लतीफ हो सकता हो जाए। मैं यही सोचता था खोसा साहब और बाबर होंगे लेकिन वो अभी तक लेकिन वो कोशिश यही करें। अच्छा सर आपने इदारों की बात की तो ये डॉक्टर साहब जो है उस वक्त के वजीर आजम और नायब वजीर आजम निकलैक को कैसे निकाल रहे हैं कि ये अभी देखना नर्स आएगी निकालने, वो डॉक्टर अभी भी सही सलामत होगा उसकी टांगे शांगे दवाई नहीं होगी किसी ने किया नहीं निकलवाया, मैट्रन थी वो डॉक्टर नहीं थी जी, मैट्रन आएगी वो इसको निकाल देगी जी। तो ये जहाँ पर इदारे पावरफुल हैं, यहाँ पर इदारे पावरफुल हैं, ये बात ये एक मिसाल है और अल्लाह करे हमारा भी इस तरफ सफर हो। अच्छा अब थोड़ा सा आते हैं सरी साहब, जो अखलाकी तौर पर जैसे बात की कि उसने लिबादा ये उड़ा था, एक नाथखां बना हुआ था, नक्शबंदी फला वो, कराची में एक वाकया हुआ उसमें भी कोई कारी साहब इन्वाल्व, कारी साहब है, मौलवी साहब इन्वाल्व है मदरसों में इस किस्म के, तो ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए कि जो उल्मा कराम जो सही मानों में खिदमत कर रहे हैं उनको तो आगे आना ही चाहिए, आम जो सिविल सोसाइटी है या आप जैसे जो दानश्वर हैं अदीब हैं वो किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मेरा सर इसका इलाज तो सिर्फ एजुकेशन है, ठीक है, अब आप देखेंगे अपनी अपनी सोसाइटी की हम वहां पे बात कर लें, कराची लाहौर की जो आप छोटे शहरों में चले जाएं जी, फैसलाबाद में जंग में साहिवाल में, अब आप देखेंगे कि पढ़े लिखे जो बच्चे होंगे या पढ़े लिखे जो आदमी होंगे उनका बिहेवियर टुवर्ड्स रिलीजन मुख्तलिफ होगा, ठीक है, वो मानते हैं कुरान पाक को भी मानते हैं, अपने अल्लाह को भी मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी वो यकीन रखते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो जो पांच माता पास मौलवी है ना किसी मदरसे से पढ़ के गया हुआ वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, ये एजुकेशन ही इसका इलाज है, उससे शॉर्ट ऑफ नहीं है। अब आप जितना भी आप लेडीज को कहते रहे वहां के मर्दों को कहते रहे, अगर वो अनपढ़ है तो उनका वही पेशवा है, चूंकि अनपढ़ी के साथ कोई थोड़ी सी गुर्बत भी होती है, जिस जो आदमी अनपढ़ है और उसके पास पैसा आ जाए वो अक्लमंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा ये देखिए उसकी रसाई देखे, वो बिल्कुल वीआईपीज जो कायदीन जिन्होंने जनाजा पढ़ा उसके अंदर मौजूद था, वो इतना ज्यादा इन और ये सारा, कोई ऐसे लोगों का कैसे तालीम किया, ये वो तालीम याफ्ते ही थे, जो फेंकने वालों में भी था, ये पत्थर फेंकने वाले एहतजाज वालों में भी था, तो कैसे हम भाव कैसे सकते हैं सरी साहब? मैं गुजारिश करता हूँ इसकी सिर्फ एक ही चीज है कि वो जो लोकल हमारी पुलिस है ना उसको वो अगर जैसे इन्होंने इदारों की बात की है वो इदारा अगर जो है ना वो आपका करेक्ट हो जाए, उनको पता होता है कि कौन आदमी जो है ना वो किस कमाश का है, ज्यादातर चले हम सारी की बात नहीं करते, ठीक है, एक थाने का इलाका होता ही कितना है, 25,000 आदमी होंगे, 10,000 होंगे, उसमें से आधी औरतें निकाल दे। शहरी साहब की बात को मैं मादर के साथ काट के मुझे बड़ी मुझे ये तकलीफ पहुंच रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस लिया ना चलान 7 ATA के तहत वहां मौजूद है ना, 21 I में वो पुलिस ऑफिसर जो उस वक्त मौजूद थे शहरी साहब उनको चलान कर, उनका होना चाहिए, उनको चलान करवा दे, पूरे पाकिस्तान में ये मैसेज चला जाएगा चलान भी हो अबैटमेंट में वो भी जाएंगे वजीर भी जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 21 I उसका है एंटी टेररिज्म एक्ट का एक सेक्शन है जो अबैटमेंट और उसके साथ करता है एड देता है, एड एंड कॉम्प्रोमाइज, ये है कि नहीं एड और अबैटमेंट है कि नहीं, इसको मैं उसमें चलान करवा दे पूरा पाकिस्तान की जो महकमे के कुछ लोग तो कम से कम ये सोचेंगे कि हम इन सियासतदानों का आलाकार ना बने, ना बने, तो हमने भी चलान आगे भुगतना है। एक कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपके टॉपिक के हवाले से बात करना चाहती हूँ। जी बहन बात कीजिए, जरूर बात कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही बंदूक की नाली है मेरी सिमत के जो इससे पहले मेरी शराब का लहू काट, इस बस्ती से परे भी मेरे दुश्मन होंगे पर यहाँ कब कोई अग्यार का लश्कर आशना हाथ ही अक्सर मेरे जाने पर लग के बहुत खूब आशना हाथ ही
पर मेरी जानेब लगते, मेरे सीने में सदा मेरा ही खंजर उतरा। आप देखेंगे जब भी इतने घिनौने जुर्म, इतनी इतनी बेदर्दी और इतनी इतनी जलालत और इतनी पस्ती इन लोगों की देखेंगे, ये दहशतगर्दी के नाम पर ये चीखते रहे। और आखिर जब ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान की एक सियासी जमात सबसे बड़ी दहशतगर्द निकली, जो बारूद की सुरंगों के ऊपर बारूद के ढेर पर अपनी सियासत चमका रही थी। अब जब जवान बच्चों का कत्ल जब सामने आया तो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि पुलिस ऑफिसर ही ड्रामा करके जवानों की नस्ल कशी कर रहे हैं और लोगों के, मतलब आप देखें कि इनकी पस्ती देखें कि मुल्क को लूट लिया, अदारों को लूट लिया, हर चीज मतलब हर चीज तबाही की तरफ जा रही है। और आखिर इन्होंने मतलब कि हमारी बच्चियों को हम उनकी इज्जत बेचनी शुरू कर दी है। मतलब इन्हें तो हमारी पाओं से प्यार है, हमारी सिसकियों से प्यार है, हमारी चीखों से इनको प्यार है, हमारी बेबसी और बेकसी और मतलब हर तरह हमारे गिर्द ये ऐसी जंजीरें डालना चाहते हैं और हमारी हमारी पाओं में बेड़ियां और गर्दन में लटके तो जो गुलामी के तोक होते हैं वो ये देखना चाहते हैं, और हमारे हाथों में कशकोल हो और हमारी हम जो गैरों से जिंदगी की भीख मांगे, और मतलब कि इनकी आंखों में लालच और हवस के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि टपक है शमा आंसू बन के परवाने की आंखों से, सरापाए दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां में। अब एक छोटी बच्ची को, छोटी छोटी बच्चियों को उनको बेच कर आप पैसा कमा रहे हैं और सियासी शख्सियात इसके पीछे हैं और सरपरस्ती कर रहे हैं। आप देखें कि ये ब्रदर ये केस हमारे जो इदारे नहीं है, पुलिस के इदारे नहीं, इनके इदारे नहीं, गवर्नमेंट के इदारे नहीं, अगर एक इदारा ना हो तो ये तो हमारी जान निकाल दे हमें सरेआम। जो कुछ मैंने जिक्र किया एक औरत के लिए आसान काम नहीं होता कि बार बार मीडिया पर आकर तो अपना मौकफ बयान करें। मैं शुरू से मैं तड़प रही थी कि ये निजाम जो है ये पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। अब छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत भी बेच रहे हैं, क्या तुम्हें पीछे क्या रह गया? बिल्कुल सही, भी नसीब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही, शुक्रिया बहन। करो शर्म करो के दो चार गज की कब्र भी नहीं मिलेगी तुम्हें, तो ये इतना इतनी जलालत पे उतर, ये कैसरो कचरा के जो महल है तुम्हारे ये किस काम के? माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। बाकी अफसोस ख्वाजा साहब उस पर ज्यादा होता है कि जो जैसे ये इसने लिबादा उड़ा है कि ये जी नात ख्वां और स्टेट सेक्रेटरी सारा कुछ होता है। ये जो बीबी थी इन्हीं को एक बात कहना चाह रहा था, ये जो आपने लिबादे की बात की है तो बीबी इसको सिर्फ आप पाकिस्तान तक महदूद मत समझें, अब तो ये हमारे मैनचेस्टर और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में भी हर जगह ये अपना आगे हैं, जो जितने भी हिडन लोग थे यहाँ भी यही हरकतें हुई हैं। आप लोगों के इल्म में होगा, हमें तमाम मुआशरे को हमें चाहिए कि इन लोगों को बायकॉट करें जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये असली चेहरे हमारे सामने हैं, आखिर में जुर्म करके कह देना जी मैंने निकाह पढ़ाया है, और निकाह की भी शरायत होती, मैं आपको बता दूं निकाह जो है हिजाब कबूल नहीं है, जो लोग समझते हैं निकाह का मंजर आम पे होना बहुत जरूरी है शरण, वरना छुपके से निकाह शरण जायज नहीं है। ठीक है, तो ये जरा थोड़ा सा यहाँ भी हमारे लोगों को इल्म होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। अगले कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? हाँ जी, मैं मोहम्मद जवाद बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी जवाद साहब, हमारे ये जैनब के बारे में एक सवाल था, जैनब के साथ जो कुछ भी हुआ तो बहुत बुरा हुआ, पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो तो क्वेटा में भी 2014 में सहर बतूल के साथ यही हुआ था। बिल्कुल, उसका कातिल गिरफ्तार, सहर बतूल क्वेटा में थी, 7 साल बच्ची। जी जी, हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं भाई, वो टीवी तो लाल सुन रहे हैं ना। जी बतूल के साथ भी यही कुछ हुआ, उसका कातिल गिरफ्तार हुआ, नाम उसका जुनेद शहजाद था, तो एडमिट भी किया उसने कोर्ट में भी, अभी तक उसकी एक पेशी नहीं हुई। इसीलिए हमारे एंकर जो है एंकर प्रसन्न में क्या आवाज़ की पूरे पाकिस्तान से, बल्कि हमारे जो एलबेट टीवी है हमारा, इससे भी कोई आवाज नहीं उठी। उसका नाम बताएं दोबारा, हम सहर बतूल जुनेद शहजाद।
बिल्कुल सही भाई, कातिल का नाम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुछ मजीद आप बता सकते हैं सैर बतूल के वालदेन का नंबर या कोई, अगर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं बाद में भी हम करेंगे। जी मैं बाद में रابطہ करके पूरा लेकर सबको, वालिद साहब का उसमें आप यूट्यूब पे देखें, उसका वालिद का पूरा सहर बतूल कोयटा सर्च करें, पूरी तफसील आएगी उसमें। ठीक है अच्छा सहर बतूल जरूर भाई जरूर भाई। दो ज्यादती हुई है, इसका कातिल गिरफ्तार, अभी तक उसकी पेशी नहीं हुई पाकिस्तान में। अच्छा पेशी तक नहीं हुई अभी उसकी, लेकिन कैद में नहीं। अभी वो कैद, अच्छा कोयटा जेल में है वो? जी जी वो कैद है जी, जुडिशल वो कैद है, उसको अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो बहुत गरीब लोग है, इसी तरह उसको शाम आया था, गांव था, वो मेला फुसला करता कि इसी तरह कचरे के ढेर में उसको फेंका चला गया। मानो तो उसकी शिनाख्त हुई मीडिया के सामने। बिल्कुल सही सर, आवाज इस पे भी उठाएंगे सब बच्चियां, हम जरूर उठाएंगे आवाज, चाहे जैनब हो। जैनब तो एक वो आवाज बनी ना, सब जो पहले जो मुजालिम हो चुके, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे जुनेद शहजाद जो है वो भी वासिल जहन्नम हो उसी अंदाज से जैसे हम ख्वाहिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि एक शिया बच्ची थी, शायद इसी वजह से। हम उठाएंगे इंशाल्लाह, हो सकता है। कोयटा में तो जाहिर है 100-100 लाशें भी पड़ी रही, तो वहां पर खामोशी छाई रहती है, तो एक बच्ची का जरा एक दिन में बगैर हाथ पांव बगैर सर के 100-100 लाशें उठाई, एक दफा नहीं जी, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा। बहुत बार बहुत बार बहुत बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जवाहर साहब आपका नंबर हमने नोट कर लिया, मजीद तफसील के लिए ख्वाजा साहब या हम आपसे जरूर राबता करेंगे भाई। जी शुक्रिया, जजाकल्ला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। बात यह है कि ये जो इस किस्म के ऑफेंसेस हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है जी। बात ऑफेंस की नहीं है कि अब कोटा में हो गया या लाहौर में या मर्दान में या कसूर में, ठीक है। बात यह है दी वे दी अथॉरिटीज आर हेल्पिंग आउट दी अक्यूज पर्सन, सही, या कोई इस किस्म का जो सरकारी लेवल पे पुष्पनाई अगर निकल आई, अभी तो मैं आत्मन नहीं कह रहा, ठीक, ये तकलीफ की बात है, सही है। तो मैं इस जैनब को कहूंगा कि इस जैनब ने सुन्नत अदा करते हुए उस जैनब अलैहि सलाम की, उसने अपने भाई का खून नहीं छुपने दिया था, इसने बाकी 11 और पाकिस्तान के बाकी खून छुपने नहीं दिए। जैनब को उस जैनब की सुन्नत से तशबीह, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात जी। और जवाहर साहब जरूर, जैसे आपने बताया सहर बतूल जो मासूम बच्ची, और ये वो ज्यादा अफसोसनाक बात कि जुनेद शहजाद जो कातिल आप बता रहे हैं, उसने भी इकरार जुर्म किया है, सब कुछ किया है, तो वो अभी तक वो सजा उसको नहीं हो सकी, तो ये हमारा ये अफसोस है कि इसने भी जो हमारा अदालती निजाम है ये इसकी दकियानुसी समझ आती है, किस तरह से लोगों को बचा के कुछ साल गुजरवा के फिर आजाद कर दिया जाता है। लेकिन हम बात करें, ठीक है ख्वाजा साहब, वो जो जिन तबकों की आप बात करें, वो जो चोर हैं, चोर वो तो चोर ही हैं, लेकिन हमने जैसे आप प्रोग्राम से पहले बात करें, हमने भी तो कुलवल्ला सीखनी है ना, हम तो जब किसी का कोई खत्म पढ़ने के लिए हमें भी तो कुछ एफर्ट करें ना, ताकि उन चोरों से हम बचे रहे। हम खुद कुछ करते नहीं है, मिलाद करानी है ऐसे लोगों के हाथ तो चढ़ जाए, वालिद की फातह करानी ऐसे लोगों के हत्ते चढ़ जाए। मोहताज क्यों है, मोहताज मोहताजी हमें अल्लाह ताला ने कुरान क्यों भेजा है? सही है, वो हमारे लिए ये तो नहीं कि जी हम ताकों में सजा रखे और फिर जाके ऐसे लोगों से, जो कोई खास उसमें काला जादू तो नहीं है ना जी, जिसका इल्म मुझे या आपको किसी को नहीं हो सकता कि जी सर खास, बल्कि ये बताया जाता है, ये भी कोई वेद शिव भी बताता था ये इमरान, हाँ इसका तो आप जादू शादू कार्ड देखे कि जो एक इमाम मस्जिद है या अदारे का सरबराह है, उसके लिए एक डिग्री रखनी चाहिए, लेवल रखना चाहिए, हर बंदे के हाथ में तस्बीह देके नहीं दाढ़ी रख के चला, पुलिस चेक होना चाहिए बकायदा सर। आप एक मामूली मोटरसाइकिल चलाते हो उसके लिए लाइसेंस है, सही, आप गाड़ी चलाते हो उसके लिए लाइसेंस है सर, चपरासी रखना हो तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो आप इतने बड़ा मेंबर सौंप रहे हो, थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कोई उसके पास। सर आप प्राइमरी का टीचर रखते हो तो उसको पूछते थे क्वालिफिकेशन क्या जी, जा क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये थोड़ा सा ये काम देखे ना, ये काम वो है जो असल में हुकूमतों को करने चाहिए, ठीक, ये काम पे एक वाक्य हुआ, साल चला गया, दो साल उसके बाद फिर वापस शुरू, ये देखे ना जो लाहौर के 100 लड़के वाला वाक्य था, उसके बाद एक बहुत बड़ी रिसर्च होनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर, जो लाहौर के अंदर यार, दो
जुर्म दो बंदे मारे गए, चार मारे गए, सौ बचा, फिर उसने कैसे कैसी जगह बदली उसने, फिर उसको और पुलिस ने किसी को हाइली पॉपुलेटेड डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कोई होती नहीं, होती नहीं, और उसके कोई सबक भी नहीं सीखा हमने। अच्छा सैयद साहब, जो अगले जो मजीद दो केसेस ये तो हैं कि जो दरिंदा मुआशरे में था उसने ये काम किया, अब कुछ ऐसे लोग कि जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई हैं, इंतजार कत्ल केस, वो एक नौजवान कत्ल हुआ, वो बताया जा रहा है कोई एसएसपी की, जो एसएसपी साहब ने हुक्म दिया, राव अनवार ने दूसरा, और उसकी जो कोई फोर्स थी उसने जाली मुकाबले में उसको मार दिया, ऐसे लोगों को महकमों से कैसे निकाला जा सकता है? राव अनवार जो अभी वो नकीब का जो कत्ल हुआ वो पेश ही नहीं हो रहा, वो इस्लामाबाद में पकड़ा गया, उसके बाद कोई पता नहीं है, वो हमारे एडी ख्वाजा साहब पूछ ही रहे हैं कि किधर हैं, वो पेश हो, तो ये कितने पावरफुल होते हैं वर्दी में जो भेड़ी हैं, उनका क्या करेंगे? दो केस मुख्तलिफ है जी, राव अनवार का केस मुख्तलिफ है, सही है, उसकी मैं वो नहीं कहता कि खुदा ना खासा उसकी कोई सफाई नहीं देता या उसकी सफाई में कोई बयान नहीं देता, ठीक है, इसलिए कि वो दो चार आदमी मारे थे उसने, उसमें से तीन जो है ना वो सही थे। ये हर पुलिस ऑफिसर को ये थोड़ा सा एक एज होता है जब वो जिले में होता है कि उसने अपना क्राइम कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, उसके पास एक अपना एरिया था मलीर जिसमें वो रहा पिछले 15 साल से, लेकिन नॉर्मली हर एसपी जो है ना वो इस किस्म के हौसला जो ना वो नहीं पाता, ठीक है, ये एक तो कोई बेवकूफ किस्म का मेरे जैसा कोई आदमी होगा वो, और दूसरा ये है कि जिसको पता हो कि पीछे उसके पुष्पे को हाथ रखने वाला है, ठीक है, कुदरती ये इसके रावणवार के हाथ वो जो ना वो थोड़ा सा शेकी हो गया, अदरवाइज तो सारी दुनिया जानती है वो सारा। अब वो जो एक आदमी बीच में नकीबुल्ला जिसका आप जिक्र हो रहा है वो बेगुनाह था, अहम मुमकिन है उससे उसकी पहले वो पेश हो, उसकी सुनी जाए, ठीक है, वो गलती भी तो हो सकती है, मेरी बात मुकम्मल होने दी, मेरी बात, आप उस मामले में उसको काफी डील दे रहे हैं, नहीं दे रहा सर, उसके पास एक मर्डर नहीं है, उसके खाते में अहम मुमकिन है 600 मर्डर, कई मर्डर हो 600 हो, जो बेगुनाह का कत्ल है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, खा वो पुलिस वाला है खा वो बगैर पुलिस के है, ठीक है। अब जो दूसरी बात है वो निरी गुंडा करती है, सही है, ठीक है ना, और उसमें अभी वो शाखसाने निकल रहे हैं कि वो जो मरने वाला है उसके साथ खातून वो जो थी वो खातून थी। वो कहीं ना कहीं वो जो ना दूसरे एसपी साहब के साथ या उनके किसी आदमी के साथ जो ना वो सारा वो जो ना इस किस्म का उसको, ये आपने सवाल किया इनको महकमों से कैसे निकाला जाए, ना मैं इसको ये कहता हूं कि उनको सरेआम फांसी कैसे लगाया जाए, ठीक है, मेरी ये गुजारिश है, उसी तरह तफ्तीश हो, उसी तरह जीआईटी बने, उसी तरह उनको जो ना जैसे हम जैनब के कातिलों के लिए हम कहते हैं कि जनाब इसको सरेआम लटकाया जाए, इनको क्यों लटकाया? बड़े मुजरम है, उतने ही बड़े मुजरम है, नई रवायत है। पहला तो क्वेश्चन है 15 साल तक वो ब्रीन में रहा कैसे, ऊपर किसी ने रखा होगा, बड़े साई फिर उसके साथ, मैंने तो पहले ही कहा ना पीछे हाथ है, ठीक है ना, वो जरा हाथ वाले जरा खुल के बात, बिल्कुल बात, मैं कॉल ले लूं फिर आप खुल के बात करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आजा साई साहब, सारी बातें जो है तमाम देखिए इस पूरे वाक्य रौनक के बाद के वाक्य के बाद जो भी कुछ हुआ है, अभी रात की खबर है कि खानवान में कुछ हजरात ने एक तालिबा को जनाब वो अगवा करके उसके साथ ज्यादा करी है। हमारे मुल्क का हाल ये है कि आप किस किस के ऊपर उन्हीं वो टाइम में किस किस से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीजें ठीक हो, जब आपने ये भी कहा कि साहब आप इनको अपॉइंट करें कुछ लोगों को, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों को आप अपॉइंटमेंट करेंगे ना वो इनमें से होंगे और ये खुद से इशू करेंगे अपने हिसाब से जिस हिसाब से करना होगा। जब आपके सरकारी लोगों के नाम आ रहे हैं, जब आपके ये सब कुछ कहा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हमारी जमहूरियत कहाँ गई है, वो कहाँ गई है जो जमहूरियत के वाले मर जा रहे हैं, जो नारे लगाते हैं कि साहब आवाम जो हकूक और इंसाफ, कहाँ वो जैनब अलैहिस्सलाम की रेफरेंस में दे रहे हैं, उन्होंने तो हक और इंसाफ की खातिर पूरे अपने खानदान को वो कर दिया खत्म, यहाँ तो आप सिर्फ मिसाल देखिए अपना सर जो है किस शम से झुका लेते हैं कि हमारे अख्तदार जो है उनका ये हाल है, हमारा जो आदायश इंसाफ है वो कहाँ गया आखिर, उठिए आप तो तौर से जो कुछ कर सकते हो करें, अब तो माशाल्लाह हमारी आर्मी भी इन्वॉल्व हो रही है, तो आर्मी चीफ से भी दरखास्त है वो भी ठंडा उठाए और इन सबके ऊपर फेरें जहां जहां जरूरत है इस बात करने की, लेकिन शायद हो सकता है जमहूरी टूटी लंबी जिसको कहा जाता है वो शायद काम आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी सर, वो मुनीर में इतना अरसा रहे, और ऐसे पुलिस अफसरान होते हैं सर हर जिले में किसी के रखे हुए कि इन्होंने ये काम करने हैं, मुखालफी को अरेस्ट करना है। एक मिनट, ये इस किस्म के खुश किस्मत पुलिस ऑफिसर्स कम ही होते हैं। कम ही होते हैं जी, जहाँ कर ये जहाँ पहुंचे हुए बड़े हैं वो होते हैं, लेकिन फिर उनकी बड़ी कदर हुकूमतें करती हैं। असल में देखना, अब सारे पाकिस्तान का ख्याल एक जैनब वाले केस में आ गया है, मीडिया का ख्याल आ गया है। क्या ये काम कोई गवर्नमेंट्स के करने वाले नहीं होते? ये महकमों के हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि कोई ऑफेंस नहीं फर्दर होगा, ये उस पर क्यों नहीं उंगली उठाई गई, उस पर क्यों नहीं जुलूस निकला, ये बात नहीं है। बात यह है कि लोगों की आगाही ये भी होनी चाहिए कि जो महकमे हैं, जो हमारे सरबराह हैं महकमों के, अगर वो काम इन्वेस्टिगेशन ठीक कर रहे हैं, बंदों को पकड़ रहे हैं, तो लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कहें कि हुकूमत देखिए यहाँ कोई मिनिस्टर ने कभी इंटरफेरेंस की है, कभी अवाम ने पूछा किसी मिनिस्टर से कि जी ये ऑफेंस हुआ है, हाँ, क्यों हुआ है? हाँ। ये बात यह है कि हमें जरूरत है अपने, बार बार यही कहता हूँ कि अपने अदारों को मजबूत करने की, अदारों को खुला छोड़े, अदारों पर कोई पॉलिटिकल, देखिए अगर आपके घर पर 3000 सिपाही रायमंड में लगा होगा, गुलाम और उनके जो उनसे वो करवाने मर्जी, 364.4 जो है वो मिलियन बजट उसका होगा, आपके लिए 86 मिलियन की गाड़ियां सिर्फ 14 उनकी फैमिली के लिए आए, तो ये सारे तो देखे ना पॉलिटिकल जो जितनी पर्सनैलिटीज हैं इनके साथ पुलिस लगी हुई है, इनका हुक्म मानती है, इनके बगैर कोई SHO नहीं लगता, इनके बगैर कोई DPO नहीं लगता, इनके बगैर IG नहीं लगता, जैसा जैसा लेवल बढ़ता जाता है ऐसी ऐसी, यानी इनको इसीलिए इत्मीनान है ना, पुलिस वाले को पता है कि मैं लाश ढूंढने के पैसे मांग रहा हूँ तो फिर ऊपर मुझे कोई नहीं पूछेगा, वहां तो ये और जगह मांगे, सारी रिकमेंडेशन जो है ना, देखे ना इनको इलेक्शन भी पुलिस जिताती है जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली सर इलेक्शन से पहले SP DSP कहते हैं हाँ जी कोई हुक्म दे जी साढ़े लायक कोई खिदमत सर, वो कहते नहीं है, जो दिखाते जो MPA MNA होता है ना उसके वो पूछता है हाँ जी अपने कौन से, अपने जितना आपका एरिया बनता है अपने कौन से MPA MNA लगवाने हैं चीफ मिनिस्टर से, ठीक है, अब वो इलेक्शन से पहले अनाउंस करने से एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है, ताकि बाद में कहते हैं आप कोई तबादला भी ना हो, तो फिर कानून आगे आप जो नई हुकूमत आई आप कोई तबादला ना करें, वो ना हो ये ना हो, लेकिन ये सारा एक सिस्टम इस तरह कभी खत्म नहीं होगा कि आप जब तक का उसका रूट काज नहीं तलाश करेंगे, आप जख्म को साफ करके ऊपर से पट्टी बांध देंगे फरूख भाई कभी वो जख्म बढ़ते रहेंगे, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कि इसकी रूट काज क्या है, क्या इसको कहीं डायबिटिक तो नहीं है ये पेशेंट जो इसका जख्म ठीक नहीं हो रहा, जब तक आप रूट काज में नहीं जाएंगे उस वक्त तक मुल्क के ये छोटे आप कहें या बड़े कहें ये वाकयात होते रहेंगे, ये कितनी देर मीडिया इस जैनब को उठाता रहेगा, इस तरह की कितनी जैनबों को उठाता रहेगा, ये तो आपका एक तरफ ध्यान है ना पुलिस का, ये चूंकि जराइम ऐसा है, आप उधर चले जाए पटवारियों की तरफ चले जाए वहां भी कोई MPA MNA की मर्जी के खिलाफ ना जागीर है, पूरी जस्टिस है उसकी अपनी जागीर है उस MPA MNA की उसके अंदर, उधर चिड़िया किसे उसके हुक्म पे पर जब तक सब बैंक में अपने इंडिपेंडेंट नहीं होंगे पाकिस्तान का जहां मर्जी वाले, और ये ऊपर से बेहतरी आनी चाहिए, ये ऊपर से जिसके पास अख्तियार है ऊपर से कोई बंदा आ जाए, ठीक है, एक रात में ठीक हो जाता है, यानी किसी को मिसाल बनाए हाँ। एक रात में रोज सुबह उठ के 6 बंदों का नाश्ता कम्युनिटी साहब की तरफ, और सजाएं शुरू हो जाए ना जी, सजाएं देखिए ये कहते हैं ना कभी जी कोई ला नहीं है, कुछ नहीं है, कहां लाने रोका है कि आप ला में तो ये लिखे आप इसको फांसी दे दें, ठीक है, एक एक्ट आया था जिसमें सरेआम को रोका था, ठीक है, देखे ना आप ये भी देखिए चाइना की कितनी तरक्की है, 1970 में उन्होंने टेलीविजन का जो प्राइम टाइम था, अच्छा, अब मैं सजेस्ट ये करता हूं कि इसका जो जैनब का ये इमरान है ना, जब इसको फांसी लगाई जाए तो इसको बड़ा रास्त टेलीकास्ट किया जाए, जिस तरह चाइना में 1970 में प्राइम टाइम टीवी पे जो थी उन्होंने दिखाई फांसियां, बिल्कुल सही। अच्छा, एक जैसे हमारे वो जवाब साहब ने बताया कि क्वेटा की जो बच्ची है, ऐसे सैकड़ों केसेस होंगे, आज लोहारा में एक बच्चा, ऐसे वाकया हो रहे हैं फिर होंगे। अच्छा, वो जो खौफ नजर नहीं आ रहा, जैसे आज ये जैनब वाकये के बाद के कई आपने खबरों में सुने होंगे, सजाएं इबरत के लिए घूम रहे, ये है वो जो सहर बतूल, ये सहर बतूल हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली, बहुत शुक्रिया बाकर साहब, अल्लाह इसके लिए इंशाल्लाह I40 न्यूज हम बिल्कुल कैंपेन चलाएंगे, जैसे जैनब की कैंपेन चल रही है
और जवाब साहब से आप हम सब अगर फरूख साहब आपने कोई मुल्क के लिए करना है ना तो मैं सब अपने दोस्त भी जो बैठे हैं एक ही कैंपेन को साथ उठा ले, जजों को इंडिपेंडेंट करें और जजेस और जर्नल्स को रिटायरमेंट के बाद अपनी कोई एक्सेप्टेंस नहीं करनी चाहिए, कोई नौकरी नहीं देनी चाहिए। जब चीफ जस्टिस जाएगा तो उसको पता होता है मुझे बाद में किसी ने गवर्नर लगा ना जी, मरते हुए को गवर्नर लगा दिया उन्होंने, ठीक है तो हाई को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, फिर जनाब जब कोई जनरल जाता है तो उसको कितनी कितनी बड़ी, फिर वो क्यों नहीं गवर्नमेंट के जो अपनी काम करेंगे ना आगे, फिर वो सलाम दुआ नहीं करेंगे। दो चीजें कहता होता हूँ कि जजेस और जनरल इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको पता हो कि हमें कोई फर्दर असाइनमेंट नहीं मिलनी, तो ये गैरत हो तो वो आगे कुछ करें भी ना, उनमें भी गैरत का मादा हो के आगे फिर क्या नौकरियां करनी है जब इतनी बादशाही की है आपकी खिदमत, क्या जरूरत है। हमने तो सात साल से यही दूसरा अदारों की खुद मुख्तारी, सही सही, अदारे मजबूत हो जाए, सही, किसी सियासतदान किसी प्राइम मिनिस्टर किसी की कोई जरूरत नहीं है सही। कि एक थानेदार के इख्तियार को बिल्कुल, वो चैलेंज कर सके। बिल्कुल जी, एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मदर जावेद बोल रहा हूँ हॉलैंड से। जी मदर जावेद साहब, सर क्या फरमाएंगे? मैं दरअसल लेट हो गया हूँ, ऑनरेबल गेस्ट बड़े आज अच्छे मेरे होती है, इनसे गुफ्तगु मेरा ये एक सवाल ये है कि देखिए डीएन टेस्ट का 100% ये निगलेक्ट करता है कि ये जो है, क्योंकि इसके अंदर जैसे आपने कहा कि ये पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है, तो क्या सारा कुछ इसके ऊपर डाल दिया गया, उस ग्रुप को स्पेस दे दी गई? वन ऑफ दी थिंग जो है कि आज से 24 साल पहले अमेरिका के अंदर जो 350 ऐसे केसेस थे जिसने फोरेंसिक टेस्ट और डीएनए टेस्ट को दोबारा रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसमें जिसके अंदर जो है तो कुछ 24 लोग ऐसे थे जिसको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देने वाला है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर डिपेंड करता है, वो सारे केसेस फेस हो गए थे, उसको दोबारा रिट्राइव कर लिया गया था। फिर आपको पता है कि लाल मस्जिद का जो वाकया है उसमें डॉक्टर शुएब सदर साहब इंचार्ज थे, जो जली लाशों का जो उसको मायना कर रहे थे उनके ऊपर दाएं बाएं से दबाव डाला गया था कि आप जो कुछ भी है इसकी रिपोर्ट जो है दे दे कि जिसके भी है इसको फारग करो। लेकिन वहां पर चीफ जस्टिस ने सो वोटो दिया नहीं, इनका पकड़ा डीएन टेस्ट इनको कराया जाए, जो मतलका वकील है उनके सपोर्ट किया जाए। ये सिर्फ साबित हुआ कि जी इसका जो है साबित हुआ कि बिहाइंड द सीन इसके ऊपर जरूरी प्रेशर डेफिनेट होता है। नंबर दो, सोलत मिर्जा साहब का जो केस मैंने खुद कवरेज किया, वो रावलपिंडी के 22 नंबर के इलाके का रहने वाला पठान टैक्सी ड्राइवर था, जिसको सोलत मिर्जा ने ऐसे जिनसी ज्यादती की का वो केस था जिसके ऊपर उसको किया गया था, जिसको जो है कि सेशन कोर्ट ने भी सजा मौत बांध रखी थी, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद जो है कि उसका जो केस था शादा चार्ल्स ने डायरेक्ट जो है परवेज मुशर्रफ से बात की थी कि ये ब्रिटेन है इसको आप सजाए मौत नहीं दे सकते थे, उसके लिए पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था। ठीक है सर, मैं सब बात चाहूंगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मजीद इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में मैं एक एक जुमला मौजूद मेहमानों से ये पूछ लूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब पे अब सारा, क्योंकि सुमोटो एक्शन के ऊपर मंडे को दोबारा हेरिंग है इसी इमरान के जो डॉक्टर शाहिद मसूद गए हैं, और पिछले कुछ दिनों से हम उनकी जो एक ख्वाहिश है सुर्खियों की जीनत बनने की, फुटेजेस हासिल करने की, कहीं ये उसी ख्वाहिश का एक अगला कदम तो नहीं खुदा ना खास्ता, या वाकई आप देख रहे चीफ साहब जो है वो इसको एंड तक पहुंचाएंगे? अब चीफ साहब जो है ना, ये अगर इस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं ना, सही है, तो फिर वो बाबा रहम भाई रहेंगे। हाँ। अगर उन्होंने बाइज्जत रहना है और अपने आपने तकद्दस का जो है उनका पेशा जो है उसका, वैसे उसने जन अल्लाह करे हो, लेकिन हमें होना चाहिए दो तीन हफ्ते जो है वो सिर्फ तकरीरें बढ़ के इस मामले में। मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, ख्वाहिश साहब ने सही कहा कि ये टेस्ट मंडे के दिन पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की इनसे गुजारिश की कि अगर तो वो इस जेआईटी को दरगुजर कर दरगुजर करें और अपनी जेआईटी वहां पे ऐलान करके कर देते हैं कि जी हम वो वो कुछ नजर आएगा, वो 37 चाह रहे हैं, वो 37 अकाउंट्स भी निकालें, उसकी तफसील भी निकालें, डीएनए को भी दोबारा जैसे इन्होंने कहा जो अपने उसको देखभाल कर लें, और उसके बाद वो जो एमएनए का नाम उनको दिया गया है जिसका वो वजीर का, उसकी भी, और उसके गिर्द जो है ना वो बाकायदा ये एक आदमी का नहीं, आदमी ये 11 मर्डर हुए हैं, ईसीएल में नाम तो डालेंगे तो ना, वो
और ये पुलिस से लेके जब तक वो केस उस जेएडी के पास नहीं जाता, वो मतलब तफ्तीश वो करेंगे रहेगा, वो पुलिस के पास ही यही पेश करेंगी, लेकिन डायरेक्शन उनकी होंगी। अगर तो वो उन्होंने मंडे को कर दिया तो हम समझेंगे कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो सीरियस है अपने प्रोग्राम में, लेकिन अदरवाइज तो हम यहाँ बच्चियों को अपनी बच्चियां समझते हैं, तो अदरवाइज तो हम वही समझेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि ये चीफ जस्टिस साहब के सुमोटो नोटिस की ही वजह है कि ये मामला इतनी जल्दी, अगर आप देखें ना, एक तरफ अब नजर आ रहा है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है, ठीक है, फिर तो इसने गिरफ्तार ही नहीं होना था। हाँ, अगर वो चाहते तो ये अगर सुमोटो नोटिस ना होता, ठीक है, तो वो किसी को भी इसी तरह जैनब के जिस तरह बाकियों के वालदैन को उन्होंने मुतमिन किया, गोली जी मार दी हमने इस मुकाबले में, उसको मार दिया, नहीं भी किया तो उन्होंने क्या बिगाड़ लिया सर। तो ये तो सालों से ये तो बड़ा बर्डन है जुडिशरी पर इस किस्म के केसेस का, लेकिन जुडिशरी इस हद तक भी नहीं जा सकती कि हर केस के अंदर एक नई जेआईटी अपनी मर्जी की बनवाए, फिर तो इस तरह एग्जाम्पल सेट हो जाएगी और फिर उसकी प्रेसिडेंट बन जाएगी, फिर वकला उस प्रेसिडेंट को लेके अदालतों में जाएंगे। लेकिन जिस हद तक चीफ साहब कर रहे हैं बड़ी अहम केस है, क्योंकि बहुत और वो करेंगे ये जो बाकी पार्ट, लेकिन मंडे बहुत अहम है उनके, मंडे बहुत अहम है। सैरी साहब ने मेरी सर मेरी गुजारिश उस पर माजरत के साथ ये है, राणा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका काम नहीं है कि वो हर लेकिन ये सर को मज केस नहीं है, ये आम केस नहीं है, इसके पीछे जो ना माफिया है। जब हम माफिया को एक बार हाथ डाल चुके हैं तो अभी हम अब उस प्रोसेस की निगरानी खुद रखा, उसको डेट दे जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होके नहीं आ जाती है, सुमोटो को वो डिस्पोज न करे। बहुत शुक्रिया सर आपने बताया, सर आपका बहुत शुक्रिया, नाजीन आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आखिर में सही साहब ने फरमाया ये कोई आम केस नहीं है, बहुत अहम केस है और शायद ये इसका सिरा कहां से कहां पहुंच जाए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। कुछ टेस्ट केसेस ऐसे मौजूद हैं और खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद जवाद साहब का बर्मिंगम से, जिन्होंने आवाज उठाई, याद दिलाया। सहर बतूल भी ऐसे ही बच्ची है जिसको शहीद कर दिया गया, जुनेद शहजाद भी उतना ही बड़ा मुजरम है जितना इमरान है, तो हमारी आवाज इंशाल्लाह उठती रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बाकी सब मौका